हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग। तो दोस्तों, हम अपने डेली कन्वर्सेशन में अक्सर इस तरीके का वाक्यों का प्रयोग बहुत करते हैं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कहीं लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो गैस, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर उस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में यूज़ करके बताऊंगा। तो गैस, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारे वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गैस, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। किस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे मैं ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट यूज़ करना है मैं सबसे पहले, उसके बाद डज या फिर डू नॉट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। फिर आपका नीड टू आ जाएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। अभी मैं आपको जब सेंटेंस बताऊँगा तो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा गाइस। तो मैंने के 51 एडवांस स्ट्रक्चर की बेहतरीन ई बुक लिखी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है गैस। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस बेहतरीन ई बुक को खरीद सकते हो, क्योंकि उसमें आपको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले बहुत ही पॉपुलर और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं वाक्य किस तरीके के वाक्यों को बोलेंगे। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यू डोंट नीड, यू के साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट, डोंट का कंट्रक्शन है डोंट। तो यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनी वन, ठीक है। टू बी स्केयर्ड ऑफ एनी वन, किसी से। तो यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड ऑफ एनी वन। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वाक्य है किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारा काम यही हो जाएगा, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी को के लिए हमने यूज़ करा नो बडी, ठीक है। नीड टू, नो बडी नीड टू गो एनी वेयर। नो बडी में क्योंकि यहाँ पे ना भी आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे डू नॉट या डोंट यूज नहीं करा, ठीक है। तो नो बडी कोई नहीं, नीड टू गो एनी वेयर, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइज, हमारी वेबसाइट है englishkilearning.in, एक बार उस पर जाके आप जरूर पढ़ो, उसमें आपको ग्रामर और टेंस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाती है जो कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करेगी। हमें फालतू में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वी डोंट नीड, क्योंकि वी भी जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने यूज़ करा है डोंट, डू नॉट का डोंट, नीड टू, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म आएगी स्पेंड मनी अननेसेसरीली, ठीक है। वी डोंट नीड टू स्पेंड मनी अननेसेसरीली। तो गाइज, हमारा ब्लॉग है financialgyan.com, उसमें आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट इत्यादि से और लोन से संबंधित जानकारी बहुत सारी फ्री में मिल जाती है हिंदी में, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। उसे मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी है वो अपने आप काम कर सकता है, उसे जो मिलने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ही डजंट नीड, ही क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ करा है डज नॉट, डज उसका कंट्रैक्शन डजंट, तो ही डजंट नीड टू मीट मी, ठीक है। तो गाइस, होपली आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वाले वाक्य को अंग्रेजी बना के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे रहो। तो गाइस, होपली आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक वाले बटन को हिट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।